अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में अंगूठी का नगीना देखना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब में अंगूठी या अंगूठी का नगीना देखा है तो इसकी 8 डिफरेंट वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर औरत, दूसरे नंबर पर माल और पैसा, तीसरे नंबर पर विलायत, चौथे नंबर पर ऐश, पांचवें नंबर पर औलाद यानी खुसूसन बेटा, छठे नंबर पर बुजुर्गी, सातवें नंबर पर माल और नेमत, आठवें नंबर पर अमल। यानी अगर किसी ने ख्वाब में अंगूठी का नगीना देखा है तो ये 8 अमल या वजूहात हैं ख्वाब में नजर आने की। तो ये 8 चीजें अच्छी, बेहतर या इनमें कोई फॉल्ट आ सकता है। अब ये 8 चीजें हमारी जिंदगी में कैसे असर अंदाज होती हैं, चलिए इसकी डिटेल को देख लेते हैं। अगर किसी ने ख्वाब में अंगूठी का नगीना देखा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको शर्फ, बुजुर्गी, तरक्की, विलायत, माल, दौलत, सहूलत, नेकनामी, शोहरत अता फरमाएगा। बाज़ औक़ात ख्वाब में अंगूठी का नगीना देखना, अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो बेटा पैदा होना है, अगर कोई देखे कि अंगूठी का नगीना टूट गया है तो इसका मतलब है कि आपकी शोहरत, नेकनामी, बुजुर्गी, कारोबार में नुकसान होगा, या खुदा नखास्ता अगर आपकी औलाद है तो आपका बेटा फोत होगा। अगर कोई देखे कि अंगूठी का नगीना टूट गया है तो इसका मतलब है कि आप बदनाम होंगे, हालात खराब होंगे, तंगी, तंगदस्ती, माली परेशानी आएगी। ख्वाब में अगर कोई नगीना अचानक से आपके सामने आ गया है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला की नेमतें, वुसअतें आपको बहुत आसानी से हासिल होंगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और ख्वाब में अंगूठी का नगीना देखा है तो औरत के लिए नेक शोहर और शोहर के लिए यानी मर्द के लिए नेक बीवी है। और आम अगर किसी भी आदमी ने अंगूठी का नगीना देखा हो तो इसका मतलब मर्तबा पाना, रुतबा हासिल करना, नेकी करना, लोगों की मदद करना, अच्छे काम करना और नेक नाम होना होता है। मैं दुआगू हूं कि अल्लाह ताला आपके ख्वाब को आपके लिए नेक ताबीर बनाए। ड्रीम इन्फो से शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए ख्वाब की ताबीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।